हेलो माय ट्यू फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैं भी यहाँ पर अपने काम में लग गई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है गर्म पानी पी लेती हूँ, क्योंकि है ना घर में सभी को सर्दी जुकाम हो गया है, मुझे भी हो गया है। मेरी मतलब आवाज़ से समझ सकते होंगे कि जो है मुझे भी सर्दी जुकाम चल रहा है। तो मौसम बदल रहा है, इस वजह से सबको जो है सर्दी जुकाम हो गया है घर में सभी लोगों को। और मेरे छोटा वाला बेटा, उसको तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसको तो ऐसा लग रहा था जैसे निमोनिया हो गया है वो। उसको मतलब ऐसी सांस उखड़ रही थी बहुत ज़्यादा, फिर उसको दवा ववा दिलाई तब जाके थोड़ा बहुत तो उसको आराम मिला है। पर 2 दिन से अभी स्कूल भी नहीं गया है वो, तो इतनी ज़्यादा मतलब सबकी जो है तबीयत ख़राब हो रही है मौसम की वजह से। तो मैं भी जो अभी उठी हूँ 6 बजे, उठने के बाद फिर मैं बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाया और फिर उनको स्कूल भेज दिया है। मैंने कहा चलिए मैं भी जो है अपने काम करती हूँ। तो सबसे पहले पानी वानी मैंने गर्म करके पी लिया है, थोड़ा बहुत मतलब आराम मिल जाएगा गर्म पानी से, तो इसलिए मैंने पानी पिया। उसके बाद मैं काम में लग गई हूँ। तो सुबह मतलब झाड़ू वाड़ू कमरे में ही नहीं निकाला था मैंने, आज मैंने कहा अब नाश्ता बना देती हूँ, स्कूल भेज देती हूँ, फिर मैं जो आराम से काम करूँगी। तो इसलिए मैंने अभी अभी झाड़ू वाड़ू निकाल रही हूँ, तो मैंने कहा झाड़ू निकाल देती हूँ, कमरे में निकाल दिया, उसके बाद हम बाहर भी निकाल दिया। मौसम तो अभी ठीक ठाक है, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश वारिश नहीं हो रही है, तो अभी ऐसा है मौसम। उसके बाद फिर मैंने इस कमरे में मैंने पोछा अच्छा लगाया, इसमें मैं आज भी झाड़ू नहीं निकाला, सीधा मैंने पोछा ही लगा दिया। मैंने कहा झाड़ू वाड़ू निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने कहा पोछा ही लगा देती हूँ। तो सबसे पहले इसमें पोछा ओछा लगा देती हूँ, फिर नहा करके आती हूँ, फिर इसमें सॉरी इसमें नहीं मतलब पूजा वूजा करूँगी, नहा के आती हूँ, फिर खाना बना बनाऊँगी। और सुबह खाने के मतलब खाना बनाने में सोच सोच के इतना टाइम निकल जाता है कि समझ में नहीं आता मतलब क्या बनाया जाए क्या ना बनाया जाए, ऐसा हो जाता है ना सुबह सुबह। तो आधा टाइम तो जो सोचते सोचते निकल जाता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ। और सुबह का मेरा तो डेली का काम है, और सुबह मतलब खाना भी ऐसा बनता है जो कि मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बनता है, तो फिर ऐसा बनाया जाता है जो कि मतलब 2 बार के लिए हो जाए इस तरीके का। तो यहाँ पर है ना मेरा सुबह का सब काम हो गया, झाड़ू वाड़ू निकाल दिया, मतलब सुबह की जो क्लीनिंग थी वो हो चुकी। उसके बाद मैं नहा करके आ गई, तो मैंने कहा चलिए पहले खाना वाना बनाती हूँ फिर कंघी करती हूँ। तो खाने में मैं बना रही हूँ आज ये दाल बाटी और थोड़े से चावल, तो मैंने रख दिए बनने के लिए। तब तक मैंने कहा चलिए चोटी कर लेती हूँ, फिर जो है मैं दाल को छौंकती हूँ और फिर मेरी जो है बाटी खैर मैंने रख दी थी बनने के लिए, मैंने कहा जो टाइम लगेगा इसमें, तो इसलिए मैंने बाटी भी आटा लगा के रख दी थी बनने के लिए। बाटी हमारी बन रही है, तब तक मैं यहाँ पर ऐसे कंघी करके जूड़ा लगा लेती हूँ, फिर मैं जो है देखती हूँ कि मतलब कितना टाइम लगेगा। तो सुबह के करीबन अभी देखिए 8:30 बज चुके हैं, तो इतने बजे तक मैंने जो है सुबह का सारा काम कर लिया है। तो दाल बाटी भी मैंने बना ली सुबह, मतलब दाल बाटी तो खैर जल्दी बन जाती, सब्जी वब्जी काटते ना उसमें टाइम लगता है, और दाल वाल बनाओ तो फिर कुकर में रख देती जल्दी से, 1-2 सीटी में बन जाती है, तो इसलिए जल्दी सुबह का खाना जो है बन जाता है। यहाँ पर हमने कंघी कर ली, इसके बाद मैंने तो यहाँ पर देखिए मैंने जो दाल बना ली, उसके बाद मैं यहाँ पर बाटी दे रही हूँ, तो बाटी हमारी कुछ तो जो है सिक रही हैं और कुछ जो है सिक गई, तो उनको निकाल देती हूँ और उनमें जो है मैं घी भी लगा के रख देती हूँ, तब तक जो है ठंडी होंगी। और हस्बैंड भी उठ गए थे, फिर वो भी नहा धो करके आ गए, तो मैंने कहा चलिए उनको दे देती हूँ पहले मैं खाना, फिर उसके बाद में मैं झटपट से सारे काम जो है मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं उनके लिए खाना लगा रही हूँ, मैंने कहा जितनी सिक गई है उतनी दे देती हूँ उनको, तो खाना वो खाते रहेंगे, फिर मैं भी जो बीच में काम करती रहूँगी। और अभी है ना मौसम आज और कल बहुत अच्छा था मौसम, कल तो बहुत अच्छी धूप निकली थी, आज फिर भी मुझे सुबह तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी आगे देखती हूँ कैसा रहता है कैसा नहीं।
तो फिर मैंने कहा चलिए आज मैं ढेर सारे कपड़े धोना चाहती हूँ, जैसे कि चादर वगैरह है वो, उनमें है ना थोड़ी बहुत स्मेल आने लगी है अभी बारिश की, जो इतने दिन से धूप उप नहीं दिखी ना, तो इस वजह से थोड़ी सी उनमें स्मेल लग रही है। तो मैंने कहा धो के डाल देंगे, तो पहले तो खाना वाना दे देते हैं उनको, उसके बाद में यहाँ पर हमने खाना वाना लगा दिया है। तो देखिए अभी गला मेरा ऐसा है कि मुझे आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी, तो इस वजह से दोस्तों तो ये वीडियो मेरा आज का ही है, यानी कि शुक्रवार का। तो आज का मैं वीडियो आज ही मैं जो पोस्ट कर रही हूँ आप सभी के साथ भी दोस्तों। तो मैंने उनको खाना वाना दे दिया, उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत बन गया था, मैंने भी खा लिया। फिर मैंने कहा चलिए पहले तो मैं जो है कपड़े डाल देती हूँ, और कपड़े धुलते रहेंगे, फिर मैं उधर थोड़ा बहुत काम करती रहूँगी, और यहाँ पर जो है मशीन में कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर जो है मशीन लगा दी थी, तो जो चादर वगैरह धोने थे वो कपड़े इधर धुलते रहेंगे, तब तक मैं उधर किचन में जाके काम कर लूँगी, किचन निचन साफ़ करती हूँ, और फिर थोड़े से बर्तन वगैरह हैं वो भी धो के रख दूँगी। तो इस तरीके जो है मेरा काम जो है जल्दी हो जाएगा। और चादर मैंने सुबह इसलिए डाल दी, मैंने कहा शाम तक जो है सूख जाएंगे, इसलिए शाम को ओढ़ना भी है, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उधर डाल दिए मशीन में, और सूख मतलब थोड़े बहुत तो ड्राई हो जाएंगे ना, तो जल्दी सूख जाएंगे, इसलिए मैंने कपड़े उपड़े लगा के उधर आ गए। फिर मैंने कहा चलिए तब तक यहाँ पर किचन में काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैं सफाई करती किचन की, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी सामान रखा था सब हटा के रख दिया, और किचन अच्छा साफ करके फिर बर्तन वर्तन धो लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने झटपट से सारे बर्तन धो दिए, किचन में साफ कर दी, तो यहाँ पर मेरा आधा काम हो गया, बस पोछा लगाना करे गया। तो मैं सोची पहले कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद में फिर जो मैं इसमें पोछा लगाऊंगी। तो बस यहाँ पर हमारा सारा काम हो गया है। आज बाबू भी स्कूल जाएगा, तो उसको भी नहलाना धुलाना है, 2 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर वो स्कूल भी नहीं गया, नहाया भी नहीं उसने, सर्दी थी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने उसको नहलाया नहीं। तो मैं सोची कि अभी पहले मैं बर्तन धो के और फिर मैं पानी रख देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं उसको नहलाती हूँ अच्छे से। तो बस यहाँ पर हमने पानी यानी रख दिया था गर्म होने के लिए। फिर मैंने कहा चलिए हमारा कपड़े भी धुल गए, तो इनको भी जो अच्छे पानी में धो करके उनको ड्राई कर लेती हूँ, तो मैं मशीन में ही कर लेती हूँ। जैसे कि अभी गंदा पानी रहता ना वो निकाल के फिर मैं उसको अच्छा पानी भर लेती हूँ, तो उसी में जो भी कपड़े रहते हैं ना तो उसमें अच्छे से अच्छे पानी में धो करके और फिर मैं ड्राई कर लेती हूँ। वैसे हमारी ये कहीं जैसे बाथरूम में कहीं रखी हो तो उसका मतलब बात अलग हो जाती है, मैंने यहाँ पर कमरे में रखी है मशीन, तो इस वजह से मुझे बहुत मतलब मशीन तो खैर ठीक है लेकिन जगह ठीक नहीं है, कहीं पानी निकालने की बड़ी दिक्कत हो जाती है, और सेफ रखनी पड़ी इसलिए मुझे यहाँ कमरे में रखनी पड़ी। बाहर इतने ज़्यादा चूहे हैं कि बाहर नहीं मैंने फिर जो है मशीन रखी, मैंने कहा मशीन जो है काट देंगे चूहा, इस वजह से तो मशीन इसलिए फिर मैंने अंदर रखी है। तो मैंने सारे कपड़े ड्राई करके और डाल दिए यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भगवान भी न जाने कितनी परीक्षा लेते हैं सच में दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आप सभी से मैं।